अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज यहाँ पर हम बनाएंगे कलेजी पेपर स्टेक। तो यहाँ पर हमने 1 kg कलेजी ली है। अगर आप इसको मीट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब इसमें हम 2 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले लेंगे। तो ये हमारे सूखे मसाले कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 2 टीस्पून है, काली मिर्च 2 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। अच्छा, नमक सोया सॉस में भी होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे कम नमक लिया है। और इसको डाल करके अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम, अगर हम मीट से बना रहे हैं तो उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 1 आवर्स के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और कम से कम 15 मिनट के लिए। तो इसको हमने कलेजी को यहाँ पर हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखा। अब यहाँ पर हमने पैन ले लिया, इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट हो गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब हम इसको पैन में डालेंगे तो पूरी एक साथ नहीं डालेंगे, जो तो अलग अलग पीस करके हमें डालना होगा कि थोड़ी सी दूरी रहे। अगर एक साथ डाल देंगे तो बहुत सा पानी एक साथ रिलीज़ हो जाएगा, इस वजह से हम एक साथ नहीं डालेंगे। ये इस तरह से कुछ इसको हम इसमें फैला देंगे। एक साइड हो गया तो इसको हम दूसरी साइड पलट देंगे, और इसका पानी, जो पानी रिलीज़ होगा जब वो खुश्क हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से देखिए ये हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे।
पानी खुश्क होने तक निकालेंगे जिसमें इसकी कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए दूसरी चीज़ बच थोड़ा सा जो बचा था इसको दोबारा हम यहाँ पर फिर फ्राई कर रहे हैं। इसको भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। अब जितनी भी कलेजी थी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पर हमने तेल डाल दिया। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इसको डाल के हल्का से सॉटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इधर जब तक ये हो रहा उधर हम हॉट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें 3/4 कप पानी लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून हम चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इधर देखिए ये भी हो गया है और हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं जो कि इस तरह से हैं। ये देखिए ये शिमला मिर्च है, ये 3 शिमला मिर्च थी, एक बड़ी साइज़ का प्याज था, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। आप इसमें आपको रेड पेपर मिले उसको भी डाल सकते हैं। इसको डाल करके थोड़ा से चलाएंगे, बहुत क्रंची हमें नहीं करना और इसका कलर भी हमें लूज़ नहीं करना है, इसका कलर इसी तरह से रहे सब्जियों का, बस इतना हमें इसको थोड़ा सा इसको भूनना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर इसमें जो हमने सॉस ये बनाया है उसको डाल देंगे। ज़्यादातर लोग इसको मीट में बनाते हैं और वो चाहे मटन हो चिकन हो उसमें फिश में लोग बनाते हैं, हमने यहाँ भी इसको कलेजी में बनाई है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बहुत लजीज बनकर तैयार हुई थी। अब इसमें जो हमने कलेजी फ्राई किया था उसको डाल देंगे और सब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
बस इसको इतना चलाना है कि जो हमारा सॉस पतला था थोड़ा से गाढ़ा हो जाए एक दूसरे में। देखिए इस तरह से, जैसे ये है, थोड़ा से ड्राई हो जाए बस इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी पेपर स्टेक, कलेजी पेपर स्टेक बनकर तैयार हो गई। हमने गैस बंद कर दिया, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डिश आउट कर लिया। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।